BAPS निस्वार्थ सेवा और जीवन निर्माण का एक आध्यात्मिक आंदोलन, जिसके आद्य प्रेरणा मूर्ति थे भगवान स्वामी नारायण। उन सनातन वैदिक आदर्शों को केंद्र में रखकर विकसित हुआ मानव उत्कर्ष का विराट अभियान। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी तथा ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के पावन पुरुषार्थ से लोक हृदय में बीज बोए गए अक्षर पुरुषोत्तम के वैदिक तत्व दर्शन के। भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन के आधार पर इस संस्थान की स्थापना की थी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने सन 1907 में। शून्य से शुरू हुई यात्रा अनंत में बदलने लगी। इस आध्यात्मिक परिवार का उत्कर्ष हुआ ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के वात्सल्यमय व्यक्तित्व से। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की निर्दंभ साधुता एवं अहम शून्य प्रतिभा से, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक अनुगामी एवं BAPS के वर्तमान अध्यक्ष गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ये संस्था विश्व में सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा कार्यों में दिन रात प्रवृत्त है। भारत, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक तथा मध्य पूर्व के राष्ट्रों में 3,300 से अधिक केंद्रों का संचालन, 17,500 से अधिक साप्ताहिक सत्संग सभा केंद्र, 55,000 से अधिक स्वयं सेवकों का समर्पित समुदाय, प्रतिवर्ष 1,20,00,000 से अधिक मानव घंटों का सेवामय उपयोग, 1,000 से अधिक सुशिक्षित संतों का वृंद, 110 शिक्षा संस्थान, छात्रावास एवं अस्पताल, 1,200 से अधिक प्रेरणा तीर्थों के समान सुंदर मंदिरों का निर्माण। यहां आध्यात्मिकता का पोषण होता है मंदिरों के द्वारा। यहां भारतीय संस्कृति की अस्मिता जागृत होती है अक्षरधाम के द्वारा। यहां संस्कारों का सिंचन होता है सत्संग सभाओं से। यहां नैतिकता सिखाई जाती है संतों के विचरण एवं जन जन के संपर्क से। यहां महिला जागृति के कार्यक्रमों से परिवारों में शांति और आनंद स्थापित किया जाता है। यहां जीवन परिवर्तन होता है उत्सवों से। ये संस्था UNO की सोशल एवं इकोनॉमिकल काउंसिल में सलाहकार संस्था के रूप में कार्यरत है। ऐसी आध्यात्मिकता से प्रकट होती है निस्वार्थ सेवा भावना, सभी के लिए, सदा के लिए। इसीलिए यहां हरेक दिन आनंद का दिन है, सेवा का आनंद, परिवर्तन का आनंद, आध्यात्मिकता का आनंद।
लगातार 110 साल से।